वन रैक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने, पेंशन में भेदभाव बंद करने सहित अन्य मांगों को लेकर जिले के पूर्व सैनिकों ने मंगलवार को रैली निकाली। रैली में जिले भर से आए रिटायर्ड सैनिकों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इसका अंजाम भुगतना होगा। इससे पहले सभी रिटायर्ड फौजी शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए, वहां पर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। बाद में जिला कलेक्टर को आर्मी चीफ के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर इससे पूर्व जमकर नारेबाजी भी की गई। मेरा नाम सुबेदार गंगाधर यादव। क्या कार्यक्रम रखा है? हमारा कार्यक्रम में हमारी पेंशन बढ़ोतरी के अंदर वन रैंक वन पेंशन दिया है, वन रैंक वन पेंशन टू दिया है, उसमें बहुत ही विसंगतियां हैं। जे शोज वार ओनली रैंक तक कुछ पैसे नहीं बढ़ाए हैं, जैसे लॉलीपॉप दे दिया जाता है, किसी का 200 बढ़ा दिया, किसी को 400 बढ़ा दिया, और मूल पेंशन में भी कम कर दिया गया है। हम 97% है और 3% जो है वही पूरे वन रैंक वन पेंशन को ले गए। उनकी पेंशन डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए है। हमारे एक सिपाही जो की पेंशन है 20-22 हज़ार रुपए है। एक सिपाही 35 साल से पहले पेंशन आ जाता है, ऑफिसर 60 साल में पेंशन आता है, और उसके बाद में फिर उसको ही वन रैंक वन पेंशन दे दिया गया है, हमारे जेशो जोहार को नहीं दिया गया है। उनकी जो मूल पेंशन है उसमें भी जो बनाया है टेबल बनाया है वो कम कर दिया गया है, उसमें उनको ज़्यादा बढ़ाया गया है। और ये कहते हैं हमने सबको बराबर दी है। एक सियाचिन ग्लेशियर है, वहाँ ऑफिसर भी रहता है, एक सिपाही भी रहता है, एक सूबेदार मेजर सूबेदार भी रहता है, तो उनको ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। वहाँ पर कॉलम में जाते हैं, ऑफिसर एक जगह रहता है। उस जवान को तो 5,200 MSP है मिलिट्री सर्विस पे, और ऑफिसर को 15,500 रुपये है। ऑफिसर को सारी सुविधाएँ मिलती हैं, जबकि जेशो जवार हो तो बड़ी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। तो इनके साथ जो हमारा बहुत भेदभाव किया है, जो भी पेंशन के अंदर जो टेबल बनाते हैं और पेंशन के अंदर जो सिफारिशें देती हैं उनमें ऑफिसर रैंक जाता है, उसमें जेशो जवार रैंक को शामिल किया जाए, जिससे अपनी समस्याएं बताएं। भाई वो तो अपनी समस्याएं बढ़ा अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, जेशो जवार वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ है। इस भेदभाव के लिए हम शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी के नाम से हम ज्ञापन दे रहे हैं। हम अनुशासन में हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ इतना उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगे हैं गहनता से विचार विमर्श किया जाए और हमारे साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय को दूर किया जाए।